डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पेंडियम रॉय टेक्निकल कॉलेज में एक बार आप सभी का पुनः रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और तथा उम्मीद करती हूँ कि आप लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। जो भी आपकी पढ़ाई जारी रहे और आगामी जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जा रही हो, इसीलिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य संचालक महोदय जी ने आपके ऑनलाइन कक्षाओं का प्रबंध किया है, जिसमें आप घर बैठे अपनी कक्षाओं का पूरी तरीके से जो आपकी स्टडीज जो सफर हो रही थी लॉकडाउन की वजह से, जो चीजें आपकी इनकम्प्लीट थी उसको आप पूरी तरीके से बेनिफिट उठाइए और अपने एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से तैयारी करिए। आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें समझ में आता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से सीरियस है और तथा हमें भी यह जानकर अच्छा लगता है कि हम आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी का जो बेहतर रिस्पॉन्स देने के लिए। चूंकि आपकी पिछली कक्षाओं की आपके यूनिट्स पूरी तरीके से 3 मई को पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और 4 मई से हमने आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और आज आप 5 मई है और हमने कोशिश करते हैं कि हम जितना आपको रिवीजन स्टडी मटेरियल आपको डिलीवर कर पाएंगे रिवीजन के माध्यम से, उतना आपकी पढ़ाई में जो भी आपकी पिछली चीजें हैं 1-1.5 महीने में जो आपने पढ़ के छोड़ चुकी है, पुनः आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ के रिवाइज करोगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। उम्मीद करती हूँ आपको रिवीजन क्लासेस पसंद आएंगी और आज 5 मई 2020 में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट MSW सेकेंड सेम से और जो आज आपका टॉपिक है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट काउंसलिंग से और टॉपिक है आज आपका टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग होता क्या है सबसे पहले तो परामर्शन। परामर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे सामाजिक जीवन में मनोवैज्ञानिक दृष्टि को देखते हुए आज के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि परामर्शन इस प्रक्रिया के साथ रोजमर्रा की चीजों के साथ जो आज चीजें इतनी फास्ट और बेहतर हो गई है, जो चीजों को समझने के लिए और काफी ज्यादा समय चाहिए जिसमें अपने हम पूरे समय को भागम भाग चीजों में लगा देते हैं तथा हम कुछ छोटी छोटी चीजें, हमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे पास दिक्कत खड़ी होती है। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए, चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए परामर्शन की प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाने लगी और यह परामर्शन जो प्रक्रिया है वो एक केंद्र में, हर एक औद्योगिक केंद्र में, हर एक शैक्षणिक संस्थान में, हर एक वैवाहिक परामर्शन केंद्र में और हर एक संस्थान में स्थापित किया गया, जिसको अपनाकर और जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सुनकर सुलझाकर और बेहतर सामंजस्य बिठा पाए तथा भारत के विकास में अपना पूरा का पूरा योगदान दें। चूंकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य होती है, जिस प्रकार से अपने परिवार में हम बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हैं तथा बड़ों को देखकर बच्चे सीखते हैं, इसी कारण से किसी प्रकार का जो समाज में जो भेदभाव है और निगेटिविटी है वो ना आए, इसीलिए परामर्शन की प्रक्रिया आज एक हर संस्थान में इसको कंपलसरी कर दिया गया है, जहां इस प्रक्रिया को अपनाकर लोग कई प्रकार से अपने कारण संबंधी चीजों को सुलझाकर यहाँ पे अपना बेहतर भविष्य बनाते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे प्रकार, मतलब परामर्शक किस प्रकार से और किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे काम करता है तथा इस केंद्र को अपनाकर, इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने जीवन को किस तरीके से उन्नत और बेहतर बनाए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक परामर्शन की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अक्सर देखा जाता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होता है तथा आज के समय पे जो इतना ज्यादा समय 21वीं सदी में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है और हमारी ये होड़ रहती है कि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझे, गेन करें, अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से सिक्योर करें, लेकिन अक्सर कंपटीशन के चलते या कहीं ना कहीं जो आज का एक मानक जीवन है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूंकि अपन कभी कभी बेहतर खान पीन के कारण कई सारी बीमारी भी उत्पन्न होती है, जहां हमारे संचय के माध्यम से हम क्रोध भी करते हैं, कभी कभी शंका भी लाते हैं, कभी कभी उत्तेजना के कारण हमको कई सारी प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है तथा इन्हीं सारे कारणों की वजह से बीपी, हाई ब्लड प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं, हार्ट अटैक जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी जो बीमारी है वो आज के समय में कई सारी देखी जाती है और इसका एकमात्र कारण होता है ज्यादा से ज्यादा हम चीजों के बारे में अधिक सोच। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में को हम आगे बढ़े और बेहतर तरीके से उन्नत बनाए, लेकिन हर व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होकर भी चीजों को सही तरीके से सामंजस्य स्थापित
नहीं बिठा पाता और उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें किसी के प्रति दोष संशय जैसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमको सहारा लेना पड़ता है काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का। इस परामर्शन के थ्रू हमारा जो मनोविकार है मनोवृत्ति है वो हम उसमें मनोवृत्ति को अपना कर हम किस चीजों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समाज जैसे स्थापित उठा पाए परामर्शन के थ्रू उन चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोकेशनल काउंसलिंग की व्यवसायिक परामर्शन व्यवसायिक आज जो एक समय है वो ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक ही हर चीजें हो चुकी है। यहाँ पे व्यवसायिक चीजों के साथ हमको इन चीजों का भी लोगों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना हमारा बहुत ज्यादा मुख्य उद्देश्य हो चुका है। व्यवसायिक चीजें तभी आगे बढ़ सकती हैं जब लोगों की पसंद और नापसंद को अपन पूरी तरीके से ध्यान रख पाएंगे और इसी भी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक जो केंद्र है वहाँ पे जो काउंसलिंग की स्थापना की गई और यहाँ पे हर एक सेक्टर पे काउंसलर यहाँ पे प्रोवाइड की है जहाँ पे कस्टमर और की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए तथा आज के समय पे अपना हम बिजनेस पॉइंट को किस तरीके से बेहतर सेटअप कर सके हमारा विकास कैसा हो तथा हम किस प्रकार से आगे विकास की ओर अपना कदम बढ़ा सके इन्हीं सारी चीजों को लेकर कभी कभी कारण है हमारा कभी शेयर को कभी नीचे हो गया ऊपर हो गया कभी कभी हमको हानि कभी हो जाती है तो इन्हीं सारी चीजों को बचने के लिए यहाँ पे परामर्शन के थ्रू हम बेहतर स्थिति कर पाते हैं जहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू हम कस्टमर की पसंद को नापसंद को ध्यान में रखते हुए चीजों को बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरी चीजों की बात करें जो मैरिज काउंसलिंग वैवाहिक परामर्शन सबसे ज्यादा आज के समय पे जो एक कारण संबंधी परामर्शन है वो हमारा हो चुका है वैवाहिक जीवन। पहले के समय में आपने देखा होगा आज अगर हम बात करें 20 साल पहले की तो परिवार के थ्रू जब यहाँ पे मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसी चीजें हमारे समाज में नहीं आई थी तथा सोशल साइट्स में लोग उतना ज्यादा अपना समय नहीं व्यतीत करते थे परिवार के थ्रू जब चीजें पसंद होती थी तो उन्हीं को अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मानना पड़ता था। लेकिन आज के समय पे हर एक युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है बहुत ज्यादा समझदार हो गई है और तथा ज्यादा से ज्यादा वो चीजों का बेहतर उपयोग करती है तथा इंटरनेट के थ्रू हम आज ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल साइट्स पर जुड़ते हैं मेडिकल साइट्स पर जुड़ते हैं। जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य होता है क्योंकि जो हमारा वैवाहिक जीवन होता है वह काफी लंबा होता है और यही वैवाहिक जीवन हमारे मेंटली स्ट्रेस को भी कम और ज्यादा ही बनाता है तो हमारा वैवाहिक जीवन बेहतर तरीके से बीते हम बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित कर सके इसीलिए आज की युवा पीढ़ी अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए सोशल साइट पर अपनी खुद मनपसंद की शादी करना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उनको लगता है कि जब तक आचार विचार एक दूसरे से बेहतर तरीके से नहीं मिलेंगे तथा हम वैवाहिक जीवन से पहले एक दूसरे को बेहतर नहीं जान पाएंगे तो वैवाहिक जीवन बेहतर तरीके से नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो आजकल कई सारे जो मैरिज साइट्स चलती हैं सोशल साइट्स चलती हैं यहाँ पर लोग अपनी पसंद को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझते हैं और तथा वैवाहिक बंधन में बनते हैं क्योंकि वैवाहिक बंधन में बनने का एकमात्र उद्देश्य होता है और कारण होता है कि हम चीजों को बेहतर तरीके से वहां पे हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और तथा लोगों की पसंद नापसंद को हम ज्यादा से ज्यादा बाद में ध्यान रख पाते हैं जब उनके साथ हम ज्यादा समय बिता पाते हैं क्योंकि परिवार में लोगों की पसंद और नापसंद जरूरी नहीं जो अपन किसी दूसरे घर से आते हैं तो बहुत सारे लोगों की सोच पहनावा रूढ़िवादिता यहाँ पे देखने को मिलती है जिसमें कई सारी चीजों का यहाँ पे सामना हमको करना पड़ता है। उस जगह पे हमारे ईगो प्रॉब्लम सफर करता है और कई सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ पे हम कारण संबंधी चीजों को बेहतर तरीके से नहीं पता कर पाते हैं। तो मैरिज काउंसलिंग में यहाँ पे छोटी छोटी झगड़ों से बचने के लिए लोगों की आपसी समझ बेहतर तरीके से हो बेहतर आपन कर सके इसके लिए आपन यहाँ पे मैरिज काउंसलिंग का भी यहाँ पे केंद्र स्थापित करे हैं जहाँ पे आज की युवा पीढ़ी अपने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझे तथा वो आपसी सामंजस्य स्थापित करके एक बेहतर भविष्य की ओर रुख ले सके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय काउंसलिंग की रोजगार आज के बढ़ते युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है बहुत बड़ी टेंशन बन चुकी है क्योंकि आज के युवा ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी तो है युवा पीढ़ी लेकिन बेहतर रोजगार न मिलने की वजह से उनका मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाता है जहाँ पे वो बेहतर तरीके से अपने मन मुताबिक रोजगार नहीं पाते हैं जहाँ पे आत्महत्या जैसे कारण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। इसीलिए बेहतर समाज जैसे स्थापित हो सके बेहतर रोजगार स्थापित हो सके इसीलिए हमने रोजगार केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जहाँ पे युवा पीढ़ी अपने सब्जेक्ट को
ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम कम बजट में भी बेहतर रोजगार स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पे चीजों के बारे में आपसे परामर्श कर सकते हैं। तथा लघु उद्योग जो होते हैं वहाँ पे कम बजट की चीजें होती हैं और अपनी पसंद के साथ साथ नापसंद को भी चीजों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर बेहतर तरीके से, मतलब भविष्य में क्या चीजें आएंगी, क्या आने वाली है, क्या चल रही है, कस्टमर को क्या पसंद है, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजगार की स्थापना की जाती है। और इस केंद्र के जरिए हम अपने जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं तथा इम्प्लॉयमेंटेशन को, अपने इम्प्लॉयमेंटेशन को कितने बेहतर तरीके से स्थापित कर सके, कम बजट में कितना रोजगार स्थापित कर सके, अपनी ये समस्याओं को हम यहाँ पे पता करते हैं और बेहतर रोजगार की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल काउंसलिंग औद्योगिकी केंद्र। औद्योगिकी के परामर्श केंद्र ऐसी प्रक्रिया है, चूंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जब कोई बड़ा उद्योग होता है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी देखने को मिलते हैं और कर्मचारी में अक्सर प्राय देखा जाता है किसी प्रकार का मन में असंतोष की भावना, असंतुष्ट की भावना, वेतन को लेकर, इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजें जब कारण उत्पन्न होते हैं तो ये बड़ा एक स्ट्राइक के रूप में और कहीं ना कहीं एक क्रांति के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारी औद्योगिक क्रांति में बचने के लिए हम किसी प्रकार के अपने कर्मचारियों को बेहतर हम चीजें प्रोवाइड कर सके, उनके मन में किसी प्रकार का दोष न हो तथा वह बेहतर चीजों को भूल करके एक बेहतर सामान्यता स्थापित कर सके और औद्योगिकरण में अपना का पूरा पूरा श्रम और योगदान दे, इसके लिए हम परामर्श केंद्र की यहाँ पे स्थापना करते हैं। और यहाँ पे प्रबंधकी जो क्षेत्र है, जो प्रबंधकी जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे उनके सुपरविजन में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन वृद्धि, समय समय पर उनको बोनस देना, उनके उत्साह वर्धन करना, छुट्टियों के साथ बाकी सारी चीजों को श्रम के लिए, अगर ओवर टाइम वो कर रहे हैं उनको ओवर टाइम में बेहतर वेतन देना, एक्स्ट्रा वेतन देना, और उनके जो हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल चीजों और जो पॉलिसीज है उनको ध्यान में रखते हुए जब इस तरीके कर्मचारी संगठन के साथ काम करेंगे तो कर्मचारी अपने प्रबंधन से, प्रबंधन अपने कर्मचारी से एक बेहतर सामंजस्य स्थापित कर पाएगा तथा औद्योगिक विकास में बेहतर विकास के साथ साथ एक जो भविष्य की जो राह है वो काफी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इसीलिए कर्मचारी संगठन में उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे प्रबंधकियों को ट्रेनिंग के जरिए बताया जाता है कि अपने कर्मचारियों को किस तरीके से संतुष्ट करें तथा कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग होती है अपने प्रबंधकीय क्षेत्र को अपनाकर किस तरीके से अपना श्रम तनाव दे सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को रखकर और बेहतर विकास में अग्रसर हो। तो यहाँ पे आज यहाँ पे हमने बात की आप टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की। परामर्श केंद्र की स्थापना हर एक सेक्टर पे उपयोग होना अति अनिवार्य हो चुका है जहाँ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारण संबंधी चीजों की जांच करते हैं और तथा कारण संबंधी चीजों की जांच करने के बाद ही हम बेहतर एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उम्मीद है आज आपको यह टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का जो लेक्चर्स है ऑनलाइन की रिवीजन क्लासेस के माध्यम से पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट्स है रोज की तरह आप 3 से 5 के बीच में आप पूछ सकते हैं। अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने स्टडी को बेनिफिट्स यहाँ पे